दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक मंदिर भारत में ही पाए जाते हैं, फिर चाहे वह चारों धाम हो या पूरे भारतवर्ष में फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंग। लगभग हर भगवान का पौराणिक मंदिर भारत के ही किसी न किसी प्रांत में पाया जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? दरअसल वर्तमान समय में भारत का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, प्राचीन काल में ये बिल्कुल अलग था। प्राचीन काल में भारत का भूभाग बहुत ही बड़ा था और इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण में ना होकर मध्य भाग में ज्यादा था। उस समय इस फैलाव को मेरु वर्ष या इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल पृथ्वी के पहले चक्रवर्ती सम्राट कुरु रवा की मां का नाम इला था, इसीलिए उनकी मां के नाम पर इस क्षेत्र का नाम इलावर्त पड़ गया। इलावर्त के केंद्र में उस समय एक मेरु पर्वत हुआ करता था। इस मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर बताया जाता है, जिसे ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और क्षेत्र बताए जाते हैं, जिनमें से एक भगवान इंद्र की नगरी थी। एक कथा के अनुसार भगवान राम के जन्म से भी हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु के पुत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इस क्षेत्र का नाम कुछ और हुआ करता था। एक मत के अनुसार ये भी माना जाता है कि पुरु वंश के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला से जिस संतान की उत्पत्ति हुई उसका नाम भरत था और उसी के नाम पर क्षेत्र का नाम भारतवर्ष रखा गया। उस समय का भारतवर्ष वर्तमान समय के भारत की तुलना में काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। उस समय उसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग आता था। इसका उल्लेख कुछ ग्रंथों में आर्यवर्त नाम से भी मिलता है। इन सब के अलावा आज भी ऐसे कई देश हैं जिनमें हमें हिंदू मंदिर दिखाई देते हैं, और केवल यही नहीं, वहाँ के निवासी भी सनातन संस्कृति को मानते हैं और उसके अनुसार आचरण भी करते हैं। जैसे आज भी थाईलैंड के राज परिवार पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसीलिए तो थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ उनके वाहनों को भी स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास कराया गया था। इसके साथ ही जावा में एक सिंहसरीस शिव मंदिर भी मौजूद है। एक और अन्य देश बाली में भी पुरातन सरस्वती मंदिर स्थित है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि मेक्सिको शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के शब्द मशिका से हुआ है। मेक्सिको के साथ ही स्पेन में भी एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा पाई गई है। ये मंदिर, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं आदि इस बात का प्रमाण देती है कि उस जमाने में भारत का प्रसार क्षेत्र कितना विशाल हुआ करता था, जो कालांतर में सिमटकर वर्तमान क्षेत्र तक सीमित हो गया। इतना बड़ा प्रसार क्षेत्र होने की वजह से ही तो सारे देवी देवता जहाँ भी जन्मे हों वहाँ पहले कहीं ना कहीं भारत ही था, और लगभग हर जगह लोग सनातन संस्कृति का ही अनुपालन किया करते थे। इसीलिए जितने भी देवी देवता हैं सभी के पौराणिक मंदिर भारत में ही पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ चार धामों को माना गया है। महाभारत में पांडवों ने कहा था कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक बार इन चारों धामों की यात्रा करेगा वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चारों धामों में सबसे पहला नाम आता है बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ के बारे में ये बताया जाता है कि स्वयं नारायण ने ही यहाँ आकर तपस्या की थी और उस समय यह स्थान बैरी के पेड़ों से भरा हुआ था। बैरी को संस्कृत में बद्री कहा जाता है, इसलिए उस समय इस वन को बद्री का वन के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ भगवान नारायण ने तपस्या की तो इस स्थान को बद्री नारायण कहा जाने लगा। दूसरा धाम रामेश्वरम को माना जाता है क्योंकि इससे संबंधित घटना त्रेता युग में हुई थी। दरअसल त्रेता युग में जब भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम माता जी की खोज में विचरण करते हुए भारत के दक्षिणतम छोर पर पहुँचे, भगवान श्री राम ने उधर एक शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना के बाद उन्होंने कहा कि ये राम के ईश्वर है, इसीलिए उन्हें रामेश्वरम कहा जाने लगा। इसके बाद तीसरा स्थान है द्वारिका। द्वारिका को तीसरे धाम के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म भले ही मथुरा में लिया, लेकिन उन्होंने अपना निवास स्थान और कर्म भूमि द्वारका को बनाया। आखिरी यानी कि चौथा धाम जगन्नाथपुरी को माना जाता है। जगन्नाथपुरी का उल्लेख कई पुराणों में देखने को मिलता है, जैसे कुम्भ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि। पुरी एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे भारतवर्ष में जहां भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के साथ विराजमान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।